इस साल जनवरी में शाहजापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां बजरंग बली की करीब 130 साल पुराने मंदिर को तोड़ने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भगवान हनुमान की मूर्ति को हटाने के लिए लगाई गई 3 भारी भरकम क्रेन और कई मशीनों की हालत खराब हो गई। बताया गया कि करीब 3 दिनों से हनुमान लला की मूर्ति तोड़ने की कोशिश में अब तक 3 जेसीबी मशीनों के साथ साथ कई ताकतवर मशीनों का तेल निकल गया, लेकिन मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति टस से मस नहीं हुई। मंदिर को तोड़ने की खबरों से गुस्साए हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों समेत कई ग्रामीणों ने एरा कंपनी के जीएम का जबरदस्त विरोध किया और उसका पुतला भी फूंका। लोगों की मांग थी कि मंदिर को उसी जगह रहने दिया जाए, नहीं तो प्रशासन को इसका खामियाजा तुरंत भुगतना पड़ेगा। हंगामे को देखते हुए क्षेत्र के एसडीएम सत्यश्री सिंह ने पूरे मामले की रिपोर्ट डीएम को पहुंचा दी। मंदिर को तोड़ने को लेकर क्षेत्र में फैले तनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई। शाहजापुर के थाना तिलहर में नेशनल हाईवे 24 पर बन रहे इस 130 साल पुराने मंदिर का नाम कचियानी खेड़ा मंदिर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क को चौड़ा करने के लिए एरा कंपनी मंदिर को तोड़ना चाहती थी, लेकिन कंपनी का ये फैसला लोगों के साथ साथ खुद भगवान को भी रास नहीं आया। लिहाजा बीते 3 दिनों से मंदिर को तोड़कर बजरंग बली की विशाल मूर्ति को तोड़ने में कंपनी के पसीने छूट गए। बता दें, कंपनी के इस प्रयास में मूर्ति का कुछ हिस्सा खंडित कर दिया गया, लेकिन वो मूर्ति को जगह से हटाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। मूर्ति की जादुई शक्तियों को देखते हुए श्रद्धालुओं में भगवान बजरंग बली को लेकर आस्था और भी मजबूत हो गई, तो क्षेत्र के लोग मंदिर में भगवान बजरंग बली का आवास मानने लगे। उनका मानना है कि इस मंदिर में साक्षात भगवान हनुमान निवास करते हैं और उनकी इच्छा के बगैर कोई भी इस मंदिर को नहीं तोड़ सकता।